हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। हमने बनाया है आज ये वेइंग मशीन का प्रोजेक्ट मॉडल, और ये बना सकते हैं आप घर पे, बहुत आसान है ये बनाना, तो आपको बनाना सिखाएंगे हम। तो सबसे पहले हमें दो डिस्पोजेबल ग्लासेस चाहिए, एक स्ट्रो चाहिए और एक धागा और एक सुई, और सीज़र की हेल्प के साथ हम सबसे पहले अपने जो ग्लासेस हैं इसे हम सेंटर में से या सेंटर से थोड़ा ज़्यादा हम यहाँ से इस तरह सीज़र की हेल्प के साथ पूरा कट कर लेंगे। पूरे दोनों के दोनों ग्लासेस हमने ये जो है कट करने हैं सीज़र के साथ, और बहुत केयरफुली आराम से आपने कट करना है। अगर आपसे ये गलत भी कट हो जाता है तो आप दूसरा ग्लास ले लीजिए, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो कट करने के बाद पहले हमने गिलास कट कर लिया है, अब हम दूसरे वाला जो गिलास है हमारा इसे भी हम सेम साइज़ में जहाँ से पहले कट किया था देखिए इस तरह हम कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए अगला स्टेप है फ्रेंड्स कि हमने इसमें जो ग्लासेस हमने कट की हैं इसमें सुई के साथ बहुत ही सावधानी से केयरफुली हमने इसके अंदर होल करने हैं ताकि हम इसके अंदर धागा जो है वो एंटर कर सकें। चार हमने इसके अंदर होल्स करने हैं, ये हो गया अब तीसरा होल। बहुत आराम से अपने हाथ से बचा के ताकि आपके हाथ के ऊपर भी ये सुई ना लगे, और इस तरह पूरा छेद, जब इसके अंदर चार छेद हो जाएंगे प्रॉपर आपने डिस्टेंस मेज़र करके करना है। आप चाहे तो पेंसिल से पहले मार्क कर लीजिए, उसके बाद आप छेद जो है ये होल कर सकते हैं। और दोस्तों अगला स्टेप है कि हम धागा इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। देखिए पहले थोड़ा सा धागा हमने कट कर लिया, आप धागा कोई भी कलर का ले सकते हैं। और अब हमने इसके अंदर धागे के अंदर एक टाई कर लेना, अच्छे से गांठ मारनी है इसके ऊपर। आप ट्राई कीजिए कि दो से ज़्यादा गांठ मारिए, तीन या चार, जिस तरह मैं यहाँ पे तीन बार इसे टाई कर रहा हूँ अच्छे से ताकि ये धागा खुल ना पाए। और अगर आपका धागा थोड़ा सा लंबा रह जाता है एक साइड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका जो एक्स्ट्रा धागा है आप उसे सीज़र के साथ, जिस तरह ही मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा है तो मैंने इसे सीज़र के साथ एक्स्ट्रा धागा जो है वो कट कर दिया है। और इस तरह फ्रेंड्स अब हमने बाकी के जो तीन होल रहते हैं हमारे, और इसी में भी हमने सेम साइज़ का ही सेम जिस तरह पहले हमने धागा डाला है इस तरह हम धागा डालेंगे। और देखिए इस तरह चारों होल्स में मैंने धागा एंटर कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों अब जो ऊपर का बिल्कुल टॉप वाला है जहाँ से हमने इसे पूरा पहले मेज़र कर लेना, बराबर कर लेना, और उसके ऊपर भी हमने एक टाई कर देना है, गांठ देनी है ताकि ये धागे इधर उधर ना जाएं। तो ये देखिए एक हमारा पार्ट रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह फ्रेंड्स हमने अपना दूसरा जो है पार्ट हमारा वेइंग मशीन का वो हमने बना लिया है। और अगला स्टेप आता है फ्रेंड्स कि इसके ऊपर वाले धागे, देखिए हम मैंने लिया है यहाँ पे स्ट्रॉ, आप चाहे तो कोई पेंसिल भी ले सकते हैं, बड़ी पेंसिल हो तो। यहाँ पे हम इसके कॉर्नर पे हमने इस तरह ये धागा इस तरह दोस्तों इसे दोबारा यहाँ पे टाई करना है, अच्छे से आपने इसे काट देनी है ताकि ये खुले ना। देखिए अब पहले यहाँ पे अच्छे से पहले देख लीजिए कि आपका ये पूरा प्रॉपर साइज़ आ रहा है, टेढ़ा तो नहीं है। तो इस तरह आपने यहाँ पे देखिए हमने टाई कर लिया एक साइड पे, और इसी तरह जो दूसरे वाला हैंगर है, दूसरे वाली पोजीशन है, दूसरी साइड पे भी हम इसे इस तरह बांध देंगे। इस तरह देखिए दोनों साइडों अब हमारी रेडी हो गई हैं और दोनों ये स्ट्रॉ के साथ बंध चुकी हैं। और अगला स्टेप है फ्रेंड्स कि जो स्ट्रॉ के बिल्कुल सेंटर में हमने एक धागा बांधना है ताकि हम जिससे इसे हैंग कर सकें, इसे पकड़ सकें, और ये हमारी वेट मशीन जो है वो काम कर सके प्रॉपर। तो देखिए जहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है मैंने क्या किया, यही धागा लिया है और उसे डबल फोल्ड करके, और देखिए मैं इस तरह डालूँगा, आप चाहे तो गांठ भी मार सकते हैं इसके ऊपर, टाई कर सकते हैं अच्छे से। और देखिए मैं इसको यहाँ से डबल करके इसे अंदर से ही फोल्ड कर लूँगा, ये एक धागा गया और ये आ गया अब दूसरा। तो ये देखिए दोस्तों अब हमारा जो धागा है ये एकदम अच्छे से यहाँ पे टाई हो गया, मैं इसे उठा भी पा रहा हूँ सेंटर में से, और ये दोनों बिल्कुल बराबरी पर हैं दोनों वेइंग मशीन के पार्ट, और ये हमारा जो मॉडल है अब ये रेडी हो गया है। तो इस तरह फ्रेंड अभी देखिए मैं आपको फ्रंट वाले पोर्शन में दिखाता हूँ, फ्रंट की साइड से देखिए ये हमारा अब जो मॉडल है ये रेडी हो गया है। तो इस तरह आप घर पे बहुत आसान से, बहुत इजी मेथड है ये बनाने का, वेइंग मशीन का जो प्रोजेक्ट है ये मॉडल है आप घर पे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।